आपकी बोलना नहीं आएगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको आज के समय में पब्लिक स्पीकर होना बहुत ही आवश्यक है। जितना अच्छा बोलोगी आप, जितना लोगों को मोटिवेशन कर पाओगी, जितना अच्छा सही तरीका से बोलोगी, लोग आपको इतना पसंद करेंगे। समझ गई? तो इसलिए मैं आज आपको सिखाऊंगा कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे बोला जाए। तो पब्लिक स्पीकिंग पहले से करने से पहले या कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप जाने से पहले थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कि बुक्स कौन सी बारे में आपको बोलना है, क्या बोलना है, उसके बारे में एक डिटेल्स बोलाना पड़ेगा पहले से। नहीं तो मैं मान लो मैं कोई फंक्शन पर जा रही हूँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुला रहे हैं, तो उसके लिए मैं उन पर जो जॉब या फिर और कोई उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, पहला पॉइंट। तो ये अभी तो मैं आपको इतना डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि ये पहला वीडियो, आपको मैं और एक वीडियो उसके बारे में बताऊंगा जैसा कि लोगों को कैसे हैंडल करोगे आप। अभी मैं बताऊंगा आप प्रिपेयर होगी पहले तो प्रिपेयर होगी ना, तब जाके आप स्टेज पर बोलोगी। तो स्टेज पर बोलने के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना है। प्रिपेयर कैसा होगी? तो आपको आवाज लगता है कि मेरी आवाज लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो इस तरह मैं जैसा वीडियो बनाती हूँ, आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखते हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पर देखते होगी, तो इस तरह आप अलग अलग तरह का वीडियो बनाइए कैमरा सामने या फिर आपकी मिरर, घर पर मिरर है ना, आपकी मिरर पर सामने ऐसा खड़ा होके जैसा कि पब्लिक स्पीकिंग बोलते हो तो उसी तरह आप बोलना शुरू करें। और जो भी बोलोगे आप गलत बोल सकते हो या फिर सही बोल दो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप घर पर बोल रहे हो फिर एक मिरर के सामने। तो एक महीना दो महीना तक ऐसा रेगुलरली कंटिन्यू करें, अच्छा बोलते हो या फिर बुरा भी कोई बात नहीं, तो बोलना शुरू करें। जब बोलोगी आपका जो आवाज थोड़ा अच्छा होने लगेगा, जो कि बहुत अच्छा आवाज भी निकाल पाएगा। ऐसा आप देखो कि मेरे पिछले वीडियो, तो पहले वीडियो जब मैंने बनाया था आप जाके देख सकते हो, ओल्डेस्ट वीडियो मेरे, तो आप भी लगता है कि ये बंदा क्या बोलेगा ये अभी। तो इस तरह जब आप बोलोगी तब आपकी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो बोलोगी नहीं तो कॉन्फिडेंस आएगा फिर नहीं, समझते हो? इसलिए आप पहले बोलना शुरू करो। जब भी बोलोगी, मैं बोलती हूँ, मेरे सामने कैमरा है, तो कैमरे के सामने मैं नहीं बोल, जो देखकर बोल नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, तो इस तरह कोई मेरे वीडियो देखेगी ऐसा बोलोगी मैं ये, इस तरह आपको लोगों को हैंडल करना है, लोगों का तो जो साइड भी लोग बैठे हुए है उसको देखना है आपको। उस तरह कैमरा के सामने आप ऊंची आवाज से बोलते बोलते एक महीना तक बोलना शुरू करें ऐसा, तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद आप एक छोटा सा कंटेंट खुद क्रिएट करें कि मैं उसके बारे में बताऊंगा लोगों को, आज मोटिवेशन करूंगा, आज एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा मोटिवेशन स्टूडेंट को करूंगा या फिर किसी को भी बोलना चाहती हूँ, बोल कर ही उसको मोटिवेट करूंगा। ऐसा आप छोटा सा कॉन्सेप्ट लीजिए, तो उसके बाद उसके ऊपर आप काम करना या बोलना शुरू करें। तो जब बोलोगी उसके बाद लोग धीरे धीरे आपकी आवाज को पसंद करेगी, आपका पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छा होगा, तब आप 3-4 महीना ऐसा कंटिन्यू करोगी तो एक अच्छा खासा पब्लिक स्पीकर आप खुद बन सकते हो, किसी के पास भी ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ेगा। तो आपको यूट्यूब पर देखोगे तो बहुत सारे ऐसा पब्लिक स्पीकर का ट्रेनिंग देने वाला मिल जाएगी, लेकिन आपको बहुत सारे पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। मुझे पता है कि कहीं आपके पास पैसा है ही नहीं, बिना इन्वेस्टमेंट किए आप अच्छा सही तरीका से पब्लिक स्पीकिंग बन सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसा काम करें। और एक अच्छा आवाज निकालने के लिए क्या सीक्रेट जानते हो? जो भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो उनका एक सीक्रेट है गर्म पानी। सुबह जब उठते हो तब आप गर्म पानी खुद एक ग्लास पिए, तो उसके बाद बोले तो आपकी आवाज जरूर बहुत अच्छा जो कि लोगों को पसंद लगेगा, ठीक है? तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बारे में और क्या जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करें, अगले वीडियो तक इंतजार भी करें। नहीं तो आप इनकम करने के बारे में सोच रही हो भी तो आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है?